हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन XR के बारे में। 2022 में आईफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, बिग बिलियन डे सेल में इसकी क्या प्राइस हो सकती है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। सो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर आईफोन से रिलेटेड, आईफोन पर जो अपडेट आते हैं उनसे रिलेटेड, और आईफोन की जो सेल आती है फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे, उनसे रिलेटेड वीडियो आपको जो है इस चैनल पर मिलती रहती हैं। यहाँ पे हम पहले ये जान लेते हैं कि आईफोन XR लॉन्च कब हुआ था हमारे देश में। यहाँ पे गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि ये आईफोन XR 2018 में इंडिया में लॉन्च हुआ था। और यहाँ पे इस फ़ोन में क्या क्या है वो आप लोग देख लीजिए। 6.1 इंच की जो है आपको डिस्प्ले मिल जाती है, एप्पल A12 बायोनिक चिपसेट मिल जाता है। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 7 मेगापिक्सल का है। रियर कैमरा आपको सिंगल मिलेगा जो कि मिलेगा आपको 12 मेगापिक्सल का, जिससे आप 4K 60fps तक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो। 3GB की रैम मिल जाएगी। इसका जो बेस स्टोरेज वेरिएंट होता है वो होता है 64। बैटरी इसमें होती है 2942 mAh की, और जब ये लॉन्च हुआ था तब हुआ था iOS 12 में। और अभी मैं अपने इस आईफोन में यूज़ कर रहा हूँ गाइज iOS 16 डेवलपर बीटा 8, जिसकी वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ। तो iOS 16 तो बहुत अच्छा चल रहा है, जिस हिसाब से iOS 16 बनाया गया है तो वो तो परफेक्टली जो है काम कर रहा है मेरे इस आईफोन XR में। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे गाइज की जो है, पहले बात कर लेते हैं कि इसकी प्राइसिंग के बारे में, कि बिग बिलियन डेज में इसकी जो प्राइस है वो कितनी हो सकती है। यहाँ पे गाइज आज के टाइम पे इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, मतलब आईफोन 11 के आसपास आईफोन XR की भी जो है वो प्राइस आपको जो है रहती है। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि इस प्राइस में लोग कहेंगे कि आईफोन जो है 11 लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, और सच भी सही बात भी है। 35,000 रुपये में आपको जो है आईफोन XR मिलेगा, 64GB वाला वेरिएंट। इसी प्राइस के आसपास आपको अमेज़न पे भी जो है ये आईफोन देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस आईफोन में जो है आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, एडाप्टर और अपना जो आता है अपना केबल यूज़ करने वाला हेडफोन्स, वो सब मिल जाएंगे जो पहले आईफोन जो है बॉक्स में देता था। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको इस आईफोन में भी देखने को मिल जाएंगी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस जो है ये जो सेल आने वाली है उसमें ये आईफोन कितने तक का मिलेगा, तो ये फ़ोन अगर इस पर सेल आती है जो है फ्लिपकार्ट इस पर अगर डिस्काउंट लाता है, तो ये आईफोन आपको 30,000 रुपये से भी कम, यानी कि 25 से 30,000 रुपये के आसपास इसकी जो प्राइस है वो देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी सेल में भी। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे, बहुत जल्दी जो है वो बिक जाएंगे। तो अगर ये आता है सेल में तो इसकी जो प्राइस है वो 25,000 रुपये के आसपास जो है वो रहने वाली है। तो आप इसको ख़रीदना चाहो तो ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ होती है एक आईफोन यूज़र्स के लिए, वो होती है अपडेट्स। इसमें अपडेट्स कब तक मिलेंगे, तो 2018 में आया था गाइस, 2024 तक इसको अपडेट्स मिलने वाले हैं। लेकिन 2024 में जो अपडेट आएगा, यानी कि iOS अभी 16 आया है, 23 में आएगा 17, फिर आएगा iOS 18। तो iOS 18 मुझे नहीं लगता जो है आईफोन XR को जो सपोर्ट करेगा, क्योंकि अभी जो आईफोन्स आने धीरे धीरे वो सारे 5G हो जाएंगे। तो जो अपडेट्स आएंगे वो अपने 5G आईफोन्स के हिसाब से कस्टमाइज़ करके मुझे लगता है एप्पल जो है वो पुश करेगा। तो जो है अपडेट iOS 18 का भूल जाइए, लेकिन हाँ iOS 17 जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट ईयर जो अपडेट आएगा वो आपको आईफोन XR में देखने को मिल जाएगा। अब बात करें गाइस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे कैमरे वाले आईफोन्स आ गए हैं, तो ये कैमरा कितना काम कर पाएगा। इसका जो कैमरा है रियर कैमरा बहुत प्यारा है, 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। मेरी बहुत सारी जो वीडियोस होती हैं वो इसी कैमरे से शूट की हुई होती हैं, तो वीडियो की क्वालिटी जो है रियर कैमरे से बहुत अच्छी आती है। लेकिन फ्रंट कैमरे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, 7 मेगापिक्सल का है, 2022 चल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कैमराज आ गए हैं, लेकिन फ्रंट कैमरा 7 मेगापिक्सल का है, तो उसमें आप 4K में वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो, तो वो आपके लिए जो है प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर सकता है। बात करते हैं अब गाइस इस फ़ोन की जो है बैटरी लाइफ के बारे में, कि इसकी बैटरी लाइफ कैसी रहेगी। बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, आज के टाइम पर भी ये बहुत ही अच्छा काम कर जाता है बैटरी के ऊपर। अगर आप इसको जो है एक बार 100% चार्ज कर लेते हो तो ये आपका एक दिन आराम से निकाल देगा, अगर आप इसको नॉर्मल यूज़ करते हो। जैसे कि मेरे आईफोन 6s इसकी जो बैटरी है आईफोन XR की वो है 86%। तो 86% के साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन ऑन टाइम आपको 5 घंटे के आसपास जो है ईजिली देखने को मिल जाएगा। तो 5 घंटे अपने आईफोन XR को कंटिन्यू जो है यूज़ कर सकते हो, कोई गेमिंग करते हो या फिर कोई जो है आप सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हो, कोई जो है कंटेंट जो है देख रहे हो, तो सब कुछ जो है आपको इजीली काम में आ जाएगा। इसमें और फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, तो ये सब कॉमन फीचर हैं, आपको होने ही चाहिए। लेकिन 2022 में ये फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, उसकी अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए। 25,000 रुपये में भी अगर आपको ये मिल रहा है
तो मेरे हिसाब से इसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि 5-7 हज़ार रुपये डाल के आप आईफोन 11 ले सकते हो अगर आपको 4G ही आईफोन लेना है तो। और 11 और आईफोन XR में क्या फ़र्क है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बहुत ज़्यादा फ़र्क है बैटरी के मामले में, कैमरे के मामले में, तो आप उसके लिए जो है जा सकते हो। बाकी आईफोन XR भी अच्छा है, अगर 20 हज़ार रुपये में नया मिल रहा है तो कोई बुराई नहीं है, बहुत ही अच्छा आईफोन है, क्योंकि इसकी जो सेकेंड हैंड प्राइस है अगर मैं कैशिफाई की बात करूँ या फिर टू गुड की बात करूँ तो वहाँ पर भी ये 20-25 हज़ार रुपये में जो है बिक जाता है। इसकी सबसे खास बात मुझे ये लगती है बहुत सारे कलर्स में आता है, तो आपको अपने हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हो, वाइट, ब्लैक, कोरल, येलो, रेड, बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स में जो है आईफोन XR आता है। और ये आईफोन जब लॉन्च हुआ था गाइस बहुत ज़्यादा बिका था, बहुत ज़्यादा, और इसका रिकॉर्ड तोड़ा था आईफोन 11 ने, उसका रिकॉर्ड तोड़ा था आईफोन 12 ने, और आईफोन 12 का रिकॉर्ड अब टूटने ही वाला है, क्योंकि जो बिग बिलियन डे सेल आ रही है उसमें आईफोन 13 बहुत ज़्यादा बिकने वाला है। तो आप जो अपने हिसाब से प्राइस के हिसाब से ले सकते हो, अगर आपका बजट जो है ज़्यादा नहीं है, 20-25 हज़ार रुपये ही है, इससे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, तो भी ये फ़ोन बुरा नहीं है, क्योंकि 20-25 हज़ार रुपये में अगर आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन लेते हो इससे कंपेयर कर सकते हो, तो ये आपको जो है बहुत ही अच्छे जो है फीचर्स और आपको अच्छी जो है चीज़ें आपको प्रोवाइड करा देगा, जो आपको एक एंड्रॉयड फ़ोन कभी नहीं दे सकता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि और भी आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें।